अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एवरेज एटॉमिक मैसेज ऑफ एन एलिमेंट्स। सबसे पहली बात तो वर्ड फ्रैक्शनल इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ड फ्रैक्शन, जिसको आप फ्रैक्शन को बेसिकली हम कहते हैं इशारिया। इशारिया आप दो नंबर लें, उनके दरमियान इशारिया लगा दें, वो जो इशारिया है उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो बेसिकली फ्रैक्शनल एवरेज एटॉमिक मास क्या है? फ्रैक्शनल एवरेज एटॉमिक मास के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का फ्रैक्शनल एवरेज एटॉमिक मास चाहिए, तो उस एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए हमें एक तो उसके आइसोटोपिक मास का पता हो, और दूसरा उसकी रिलेटिव अबंडेंस का भी पता होना चाहिए। अगेन देख लें, मास ऑफ एन एलिमेंट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स आइसोटोपिक मास। यहाँ ज़रा देख लें, मैंने डेफिनेशन लिखी है आप लोगों के लिए आसानी, कि मास ऑफ एन एलिमेंट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स आइसोटोपिक मास एंड रिलेटिव अबंडेंस। सीखने को क्या मिला कि इफ़ वी हैव टू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास, कि अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट में दो चीज़ें शामिल हैं। उन दो चीज़ों में क्या चीज़ है? नंबर वन, हमें पता हो उसके आइसोटोपिक मास का, और दूसरा हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस, हर आइसोटोप के आइसोटोपिक मास का पता हो, और फिर हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस पता हो, जो कल और परसों वाले लेक्चर में मैंने डिटेल में बताई थी। तो फिर डेफिनेशन सुन लें कि द मास ऑफ एन एलिमेंट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स आइसोटोपिक मास। अगेन सुन लें, मास ऑफ एन एलिमेंट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स आइसोटोपिक मास। पहली चीज मैं फिर कह रहा हूं, फ्रॉम इट्स आइसोटोपिक मास एंड रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस। सेकेंड चीज मैं क्या कह रहा हूं? रिलेटिव अबंडेंस। इट मीन्स इफ वी हैव टू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मैसेज ऑफ एन एलिमेंट्स, हमें अगर किसी का भी फाइंड करना हो तो उसकी रिक्वायरमेंट में दो चीजें हैं। नंबर वन, आइसोटोपिक मैस ऑफ ईच आइसोटोप, आपको हर आइसोटोप का चाहिए, एंड नंबर टू, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप। तो ये हमारी डेफिनेशन मुकम्मल हुई। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में मैंने बताया है कि नियॉन का जो एवरेज एटॉमिक मैस है हमारे पास, वो 20.18 AMU है, और क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 35.5 AMU है। तो टू एग्जांपल्स मैंने मेंशन की कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, नियॉन के एवरेज एटॉमिक मास क्या है? 20.18 AMU, और सेकंड में एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना है हमारे पास? 35.5 AMU। जरा अब यहां पर आ जाएं, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है कि एलिमेंट्स हैव देयर एवरेज एटॉमिक मैसेज इन फ्रैक्शन, एलिमेंट्स हैव देयर एटॉमिक मैसेज इन फ्रैक्शन। के एटॉमिक मैसेज की जो वैल्यूज हैं वो फ्रैक्शनल वैल्यूज क्यों हैं? आखिर एटॉमिक मैस में फ्रैक्शन क्यों आता है? व्हाई द एवरेज एटॉमिक मैसेज आर इन फ्रैक्शन, जो एवरेज एटॉमिक मैसेज हैं वो फ्रैक्शन में क्यों होते हैं, इसकी क्या रीजन है? इसकी दो रीजन है। हमने अभी एक बात की थी कि जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में पहली चीज़ हमारे पास क्या है ये ज़रा गौर करें, आइसोटोपिक मास है, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? रिलेटिव अबंडेंस। मतलब दो चीज़ें रिक्वायरमेंट में आ गई। इट मींस दैट एवरेज एटॉमिक मैसेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स। एक तो ये डिपेंड करता है आइसोटोप्स की तादाद पे, नंबर टू ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उनकी परसेंटेजेस पे, उनकी रिलेटिव अबंडेंस पे। मींस दैट एवरेज एटॉमिक मैसेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स एंड देयर नेचुरल अबंडेंस, एंड देयर नेचुरल अबंडेंस। अगेन देख लें, एटॉमिक मैसेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स, इसका इनासार किस चीज पे है? नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स एंड देयर नेचुरल अबंडेंस, और हर एक की नेचुरल अबंडेंस। व्हाट डू यू मीट बाय अबंडेंस? व्हाट डू यू मीट बाय नेचुरल अबंडेंस? हाउ मच परसेंट दैट एलिमेंट एग्जिस्ट, कि कोई भी एलिमेंट हाउ मच परसेंट आइसोटोप एग्जिस्ट, कितने परसेंट वो एग्जिस्ट करता है? हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन एन आइसोटोप, किसी भी आइसोटोप्स में एटमों की तादाद कितनी है?
तो वो उसकी क्या इंडिकेट करती है, परसेंटेज। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, हमें नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो मैंने बड़ी सिंपल सी बात की कि उसके लिए दो चीज़ों का पता हो, आपको पता हो कि उसके आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, हर आइसोटोप का आइसोटोपिक मास कितना है, और तीसरी चीज़ हमें पता हो रिलेटिव अबंडेंस। तो इट मींस दैट, तो मैं सिंपल यहाँ पर एक लाइन लगाऊंगा, यहां पर मैं मेंशन करूंगा आइसोटोप, और यहां पर मैं मेंशन करूंगा रिलेटिव अबंडेंस। यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं आइसोटोप्स को, और यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं रिलेटिव अबंडेंस। अब सिंपल सी बात है, मैं नियॉन की बात कर रहा हूं, नियॉन हैज अ थ्री स्टेबल आइसोटोप्स, नियॉन के तीन आइसोटोप्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, वो आ गए हमारे पास नियॉन 20, 21, 22 रिस्पेक्टिवली, ये आपके पास तीन आइसोटोप्स हैं नियॉन के। अब जरा देखिएगा कि हर एक की परसेंटेज कितनी है, यहां पर नियॉन 20 की जो एग्जिस्टेंस है उसकी जो परसेंटेज है वो है 90.92%, यहां पे जो नियॉन 21 है उसकी है 0.26%, वैसे इसको 0.2578 भी लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये भी ठीक है कि हम कह देते हैं कि तकरीबन 0.26। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी हमारे पास एग्जिस्ट करती है 8.82%। जरा गौर कीजिएगा, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22, नियॉन 22 की रिलेटिव अबंडेंस है 90.92%, 21 की रिलेटिव अबंडेंस है 0.26%, और 22 की जो है वो कितनी है हमारे पास 8.82%। अब हमें फाइंड करना है एवरेज एटॉमिक मास, तो बड़ा आसान सा कुलिया बता रहा हूं, जब भी आपने एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है आपने क्या करना है, जो आपके पास नियॉन 20 है, जो 20 है वो इसका आइसोटोपिक मास है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसकी परसेंटेज के साथ, और वो क्या है हमारे पास 90.92%। और अगर हम यहाँ आ जाएं तो ये हमारे पास क्या है 21, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ जो कि क्या है 0.26%। और अगर हम बात करते हैं नियॉन 22 की, तो इसका आइसोटोपिक मास क्या है 22 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 8.82% के साथ, और इन सब को ऐड करेंगे और फिर हम इनको डिवाइड करेंगे किस पे 100 पे। तो जरा गौर कीजिएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले 20 है तो 20 को मल्टीप्लाइड किससे करेंगे 90.92% प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय 0.26% प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाय 8.82%, और हम इसको डिवाइड किस पे करेंगे डिवाइडेड बाय 100। हम इसको डिवाइड कितने पे कर रहे हैं 100 पे, तो हमने क्या किया 20 को मल्टीप्लाई कर दिया नियॉन 20 को उसकी परसेंटेज के साथ, 21 को उसकी परसेंटेज के साथ, 22 को उसकी परसेंटेज के साथ। तो हमने ऑब्जर्व किया, हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, तीनों को ऐड किया और 100 पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो इसका एवरेज एटॉमिक मास आया वो आएगा सॉल्व करने के बाद 20.18 AMU। तो ये था नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास। तो यहां से फार्मूला क्या बना, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला हमारे पास सिंपल ये बन गया कि आपने क्या लेना है, आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज प्लस आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज प्लस आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज और डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आ गया एवरेज एटॉमिक मास। अब हम निकालने जा रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो गौर कीजिएगा, मैं सिंपली, मुझे पता है क्लोरीन हैज अ टू स्टेबल आइसोटोप, क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, दो आइसोटोप नेचुरली हैं, एक मैंने कल बताया था, एक हमारे पास था क्लोरीन 35 और एक था क्लोरीन 37, और मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि एक की एग्जिस्ट 75% सी और दूसरे की क्या थी 25%। तो जरा और कीजिएगा, तो इधर हम मेंशन करेंगे आइसोटोप्स और इधर हम सामने लिखेंगे
रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस। जरा गौर कीजिएगा, हमें पता है क्लोरीन हैज अ टू स्टेबल आइसोटोप, और वो कौन कौन से हैं? नंबर वन इज क्लोरीन 35, नंबर टू इज क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है, टू स्टेबल आइसोटोप्स हैं विद परसेंटेजेस। यहां पर इसकी परसेंटेज हमारे पास 75% है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 25% है। मैं मुकम्मल कम्प्लीटली लिख रहा हूँ, मैंने 75 और 25 की वैल्यूज लिखी हैं कि क्लोरीन 35 75% है, क्लोरीन 37 25% है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या था, आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज प्लस आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। तो देखिएगा आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास बन रहा है 35 मल्टी आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन 35 इज 35, इट्स परसेंटेज इज 75% प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज 25% और डिवाइडेड बाय 100। और जब आप इसका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करेंगे तो वो राउंड अबाउट हमारे पास आ जाता है 35.5 amu। ये क्या था, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो अगेन एक मरतबा रिवाइज कर दूं कि एवरेज एटॉमिक मैसेज होते क्या हैं, कि द मैसेज ऑफ एन एलिमेंट्स, द मास ऑफ एन एलिमेंट्स विच इज ऑब्टेंड फ्रॉम इट्स आइसोटोपिक मास, फ्रॉम इट्स आइसोटोपिक मास एंड रिलेटिव अबंडेंस, दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आइसोटोपिक मास रिक्वायर्ड है और क्या रिक्वायर्ड है, रिलेटिव अबंडेंस। फिर एग्जांपल्स, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ जो रह गई कि पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है, पेपर में क्वेश्चन ये बनता है कि वाई एवरेज एटॉमिक मासेज ऑफ एन एलिमेंट्स आर इन फ्रैक्शन, के जो एवरेज एटॉमिक मैसेज होते हैं वो फ्रैक्शनल वैल्यूज क्यों होते हैं। तो हमने बताना है कि मियाँ ये इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स, ये डिपेंड करता है आइसोटोप्स की तादाद पे, और दूसरा किस पे, नेचुरल अबंडेंस पे। फिर मैंने आपको नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास निकाल के दिखाया, और मैंने बताया कि एक तरफ आपने आइसोटोप्स लिखने हैं, दूसरी तरफ आपने रिलेटिव अबंडेंस लिखनी है, और आइसोटोपिक मास को परसेंटेज से, आइसोटोपिक मास को परसेंटेज से, और आइसोटोपिक मास को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास, और सिमिलर केस में आपने फाइंड करना है किसका, क्लोरीन का। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।